पैंडमिक के टाइम पे प्रधानमंत्री का जो पीएमओ है वो ये सोचे कि इस पैंडमिक के टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे सब लोग जो लॉकडाउन में थे, सब लोग हमारे जो संप्रदाय में कैसे हम टाइम बिताते थे उसके हिसाब से वापसी हो, वो स्टोरी टेलिंग के रूप में, के माध्यम से मिलजुल के रहने के लिए एक कोशिश किया। इसकी वजह से हमें बुलाया गया था और हम स्टोरी टेलिंग के बारे में बात किया। ये था 69th एपिसोड में और बिल्कुल पैंडमिक के बीच में। वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी ने मेरा उल्लेख किया था जो कि 26 जून 2016 को प्रसारित हुआ था। और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम अपने आसपास बहने वाले जलों को वर्षा ऋतु के दौरान बचाए जाएं, और ऐसे ही अगर 140 करोड़ भारतीय कुछ न कुछ बचाएं तो बहुत बड़ी मात्रा जल की जो है बच सकती है। ये तो बहुत यादगार होने मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि हम बचपन से पढ़ते थे कि राष्ट्रपति जी के भवन में प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं और मैं आज उसका हिस्सा हूँ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी इस चीज़ की, लेकिन जब आप इसका हिस्सा बनते हैं तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपना भरोसा और ज़्यादा सुदृढ़ पाते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है कि लोकतंत्र में सबसे ऊँचा स्थान प्रधानमंत्री जी और सबसे निचले स्तर पर जो एक सामान्य जन है उसको मौका मिल रहा है, जन भागीदारी बढ़ रही है, तो एक यादगार अनुभव मेरे लिए है। मेरा नाम जो है मोदी जी ने मन की बात 89th एपिसोड में लिया, और जब केदारनाथ धाम में अत्यधिक जो है प्लास्टिक हो गया था, प्लास्टिक के ढेर लगे थे, गंदगी के ढेर लगे हुए थे, तो मोदी जी ने कहा कि मनोज जी से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो जो है 25 वर्षों से प्रकृति की और जो हिमालय की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए हम सब लोगों को हिमालय और अपने धामों की जो है सेवा के लिए वहाँ स्वच्छता की सेवा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी हम मेरी सुनवा हमारी जो है जो पर्यावरण की जो सुनवाई है, जो मेरी पीड़ा है उसकी सुनवाई हो रही है, और निश्चित रूप से जो हिमालयी क्षेत्र है जो जहाँ से गंगा का उद्गम होता है वहाँ से हिमालय से हमारी नदियाँ जो है वो जो आज प्लास्टिक के रूप में जो एक गंदगी जो है नदियों में आ रही है वो वहाँ से रुकेगी, ऐसा मेरी अपेक्षा है कि मोदी जी की जो तीसरी पारी है वो हिमालय के लिए और वहाँ के पर्यावरण के लिए, चिंतन के लिए एक अच्छी पारी होगी और हमारे सपना जो है साकार होगा। 58 एपिसोड में दिवाली के दिन हमारा नाम, हमारे कुटुंब के नाम आए थे, एक मिनट हमारे कुटुंब के बारे में बात करे थे नरेंद्र मोदी जी। हमारा माता जी का नाम अरुणा है और पिताजी 1990 में गुजर गए थे, उन्हें वो इलिटरेट है। जब भी हम पांचों भाई अभी अच्छे पोजीशन में है इसका कारण हमारी माँ ही थी। 97वें संस्करण मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे मोटे अनाज के फार्मिंग पे बहुत जोर दिया। आपको सबको पता होगा कि G20 में पूरी दुनिया को मोटे अनाज का महत्व भारत ने सब जगह पे बताया। पूरी दुनिया में मोटा अनाज सिर्फ पशु का आहार ही माना जाता था, पर प्रधानमंत्री जी की वजह से संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भी उसे स्वीकार किया और आज हर घर घर में आप देखेंगे कि मोटा अनाज किस तरह से गया है। किसानों के लिए एक एडिशनल इनकम का सोर्स भी हो गया है। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी है तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का जो ये मुद्दा है उसमें मिलेट यह सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जिनके शपथ संस्करण में हम आए हैं और यह बहुत खुशी की बात है और एक बहुत इमोशनल मोमेंट है। उन्होंने हर वक्त हमें याद किया, भारत के कोने कोने से ग्रास रूट के लेवल के सभी को यहाँ बुला के जो नवाजा गया, दूरदर्शन की टीम, प्रसार भारती की टीम जिन्होंने हमारी हॉस्पिटैलिटी वार्म्थ में कोई कमी नहीं छोड़ी। 95 एपिसोड में मेरा नाम आते G20 सदस्य का अध्यक्ष का आने के बाद मैं G20 लोगो पूरा हैंडलूम में बनाया। मेरा नाम 95 एपिसोड में प्रधानमंत्री रेडियो में आते आज मोदी जी माँ का एक चित्र भी हैंडलूम में बनाया। वो चित्र का बना का टाइम 50 डेज का बैठने के बाद तैयार करते, अभी वो चांस आने का मोदी जी का देते, मैं बहुत संतोष आया।